The U.S. National Security Advisor Jake Sullivan is in India. His visit marks the second meeting of the Initiative on Critical and Emerging Technologies. Hard-earned. ये चीजें हैं ना, हमने हमने तैयार करवाए मुजाहिदीन, वो तैयार करवाए हैं इसरो एस्ट्रोनॉट, वो एस्ट्रोनॉट तैयार करवा रहे थे, हम मुजाहिदीन तैयार करवा रहे थे डॉलरों से. हमारी प्रायोरिटीज डिफरेंट है यार, हमें ये महसूस ही नहीं हुआ. आज 76 साल बाद इंडिया खुला अमेरिका के सामने. एक सस्पेंस फिल्म का स्क्रिप्ट लगता है, लेकिन ये इसी दुनिया में ये रोनुमा होने वाला एक वाकया है जो पिछले कुछ अरसे में पेश आया और आज उसका एक बड़ा अजब सा उसका मोड़ है. वो ये है कि जो अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जैक सुलिवन, वो जो हैं वो पहुंचे हैं भारत. हम अपना किया हुआ काम भी नहीं बता पा रहे. मतलब क्या और किया आपने? आपने एक मनी बिल पास किया पार्लियामेंट में, दो दफा आपके वजीर आजम सिर्फ आए हैं पार्लियामेंट में. कोई शक नहीं है कि भारतीय इंतखाबात के नतीजे खत्ते के हवाले से बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं. एक तरफ पाकिस्तान बदतरीन सियासी और मौशी अदम इस्तेहकाम से दो चार है और इन हालात में मूरी का दो तहाई अक्सरियत न ले पाना पाकिस्तान के लिए बहुत ही नेक शगुन है. सो ये जो इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, अमेरिकन कहते हैं दिस इज फॉर द ग्लोबल गुड. मतलब अमेरिका इज हेल बेंट के हर कीमत के साथ जो मर्जी हो जाए हमें इंडिया को उठाना है ऊपर. वरना पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता था. अजीत देवल जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं इंडिया के, उनसे मुलाकात हुई और ICET के नाम से, यानी क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और बाकी सारे मामला. अब देखे ना, ये चीजें जो है दैट टेल्स अस द स्टोरी. ये हमें एक स्टोरी सुना रही है. ये स्टोरी सुना रही है कि एक दौर था कि हमने तालिबान बनाने के लिए पैसे ले, उन्होंने एस्ट्रोनॉट बनाने के लिए पैसे ले. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद. तीसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के शुरू होते ही भारत और अमेरिका के बायलेटरल रिलेशन को आगे बढ़ाने का काम शुरू हो गया है. इस क्रम में दोनों देशों के बीच यह फैसला हुआ है कि ट्रेड, टेक्नोलॉजी और स्पेस सेक्टर में कॉपरेशन को आगे बढ़ाने में जो भी समस्या आ रही है उन्हें दूर करने के लिए जो भी जरूरी फैसले हैं उन्हें जल्द से जल्द दोनों तरफ से लिया जाए. 17 जून 2024 को न्यू दिल्ली में अमेरिकन NSA जैक सुलिवन और भारत के NSA अजीत डोवल की अध्यक्षता में क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICET पर गठित कमेटी में हुई एक बैठक में फैसला हुआ है. इस कमेटी का गठन 2022 में पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के संयुक्त तौर पर की थी. अमेरिकन NSA ने देर शाम पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की. इस बैठक के बारे में पीएम मोदी ने लिखा है कि भारत अमेरिका के साथ समग्र वैश्विक रणनीति साझेदारी को मजबूत करने को लेकर प्रतिबद्ध है. इससे पहले सुलिवन और विदेश मंत्री एस जयशंकर की अगुवाई में भी एक अलग से बैठक हुई जिसमें प्रमुख तौर पर हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति, कूटनीति व रणनीति चुनौतियों व क्षेत्रीय मुद्दों पर विमर्श हुआ है. कहने की जरूरत नहीं है कि इस बयान से चीन की तरफ इशारा किया गया है. वहीं दूसरी तरफ अमेरिकन NSA को भारत में आता देख पाकिस्तान का रोना फिर से शुरू हो गया है. पाक मीडिया यहाँ ये बोल रहा है कि भारत अमेरिका के साथ एस्ट्रोनॉमर बना रहा है और हमारे साथ अमेरिका जिहादी बनाता है. आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं. तो, अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है जैक सुलिवन, जैसे थोड़े दिन पहले हमने बात की थी, ये लैंडेड इन इंडिया और बड़ा इम्पॉर्टेंट ट्रिप है. ये इंतहाई सिग्निफिकेंट ट्रिप है. बेसिकली अमेरिकन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जैक सुलिवन के जो काउंटर पार्ट है इंडिया के अंदर, वो तो अजीत डोवल साहब है. अब देखें, अब हो क्या रहा है. हो ये रहा है कि अमेरिकन इंडियन को क्रिटिकल एंड अमर्जिंग टेक्नोलॉजी का की जो है वो चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं. नाउ दिस इज़ एन इनिशिएटिव विद द अमेरिकन हैव टेकन. ये जो अमेरिकन्स ने इनिशिएटिव लिया है, इस इनिशिएटिव में चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट देखने वाली वो ये है कि अब वो समझते हैं कि हाउ टू प्रोटेक्ट एवरीथिंग. चाइना है, अमेरिका हर कोशिश ये कर रहा है कि कैसे चाइना से बचा जाए. एक बात, इसीलिए तो डी रिस्किंग कहते हैं ना, क्योंकि अमेरिका को जिस चीज की जरूरत है वो क्या है, ट्रस्टेड पार्टनर्स की जरूरत है. क्या हो रहा है वहां पर, ठीक है जी. अब जो जैक सुलिवन है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को मिलते हैं. जब वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स को मिलते हैं तो बायलैटरल कोऑपरेशन, ठीक है, कि बात तो हो रही है और ये बात की जा रही है कि इनिशिएटिव लेना है क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर. तो जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर इनिशिएटिव लेना है, जैसे मिसाल के तौर पर सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, टेलीकॉम है, डिफेंस है, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, फिर स्पेस के इश्यूज हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर जो जाके इनिशिएटिव लेना है, वो समझते हैं कि अगर हम ये करने जा रहे हैं तो हमें पता तो चले कि इंडिया हमारा कितना तगड़ा पार्टनर है.
सो ये जो इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, अमेरिकन कहते हैं दिस इज फॉर द ग्लोबल गुड, मतलब अमेरिका इज हेल बेंट के हर कीमत के साथ जो मर्जी हो जाए हमें इंडिया को उठाना है ऊपर, हमें इंडिया को ऊपर उठाना है, ये वो कहते हैं और वो कह रहे हैं, मतलब किसी को अच्छा लगे बुरा लगे जो मर्जी करें, सो व्हाट, इससे क्या उनको क्या फर्क पड़ता है। इसरो के हम जो जो एस्ट्रोनॉट्स हैं जब वो नासा फैसिलिटीज में ट्रेनिंग लेंगे तो अमेरिकन परेशान नहीं होंगे कि ये हम सारा कुछ जो कि दिस इज अ हार्ड अर्न्ड, ये चीजें हैं ना, हमने हमने तैयार करवाए मुजाहिदीन, वो तैयार करवाए हैं इसरो एस्ट्रोनॉट, वो ऑस्ट्रोनॉट्स तैयार करवा रहे थे, हम मुजाहिदीन तैयार करवा रहे थे डॉलरों से, हमारी प्रायोरिटीज डिफरेंट है यार, हमें ये महसूस ही नहीं हुआ। आज 76 साल बाद इंडिया खुले अमेरिका के सामने और पंजाबी कहते ने डुल डुल नहीं पे हो, मतलब ये नहीं है कि अगर वो आ गए हैं तो जी ठीक है जनाब हर चीज ही ले लो, हमारे तो यहाँ पे होता था मिलिट्री डिक्टेटर होते थे, तो मिलिट्री डिक्टेटर को सबसे बड़ी चीज चाहिए होती है लेजिटिमेसी, और पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर देखें जहाँ पे मुल्क पाकिस्तान जैसा मुल्क है, यहाँ पे हमारी जो पोलिटिकल क्लास है वो लेजिटिमेसी एक्सटर्नल लेजिटिमेसी लेती है, वो इंटरनल लेजिटिमेसी नहीं लेती। अब देखे ना ये चीजें जो है दैट टेल्स अस द स्टोरी, ये हमें एक स्टोरी सुना रही है, ये स्टोरी सुना रही है कि एक दौर था कि हमने तालिबान बनाने के लिए पैसे ले, उन्होंने एस्ट्रोनॉट बनाने के लिए पैसे ले, कहाँ पे आप तालिबान बनाने के लिए पैसे लें, कहाँ पे मुजाहिदीन बनाने के लिए पैसे लें, कहाँ पे आप मदरसे बनाने के लिए पैसे लें और कहाँ पे यूनिवर्सिटियां बनाने के लिए पैसे लें। ये जो 90 मिलियन डॉलर की ग्लोबल चैलेंजेस इंस्टीट्यूट की के ऊपर जो फंडिंग आ रही है, आप क्या समझते हैं ये इंडियंस को नहीं पता, वो नहीं मुजाहिदीन बनाते, ये हमारे ही साइंसदान जादूगर इस मुल्क के अंदर आते हैं, छोटे लोग। कई लोग हमारे पाकिस्तान में कहते हैं कि जितने बड़े पाकिस्तान में लोग होते हैं ना, असल में वो छोटे लोग होते हैं। तरीन आज एक मैं गजब पे भी बात करूंगा, लेकिन एक ऐसी कहानी है जिसको अगर आप समझे ना कि ये कोई हॉलीवुड या कोई एक सस्पेंस फिल्म का स्क्रिप्ट लगता है, लेकिन ये इसी दुनिया में ये रोनुमा होने वाला एक वाक्य है जो पिछले कुछ अरसे में पेश आया और आज उसका एक बड़ा अजब सा उसका मोड़ है। वो ये है कि जो अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जैक सुलिवन, वो जो हैं वो पहुँचे हैं भारत। जनाब ये जो 2014 से ये शुरू कर रहा है वाशिंगटन पोस्ट, वो एसोसिएशन प्लॉट अमेरिकन सॉइल्स रिवील अ डार्कर साइड ऑफ मोदी इंडिया। अच्छा, लेकिन जो स्टोरी है वो बड़ी एक खौफनाक है और वो ये है कि जो अजीत देवल हैं वो जिनको जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है और उनकी जो उनकी सलाहियत है यानी जो स्पाइंग के हवाले से या बाकी जो उनकी है वो एक नाम है, वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान भी रह के गया हूँ।